अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, सोच रहे होंगे कि हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। शायद कैप्शन पड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है उससे अंदाजा भी हुआ होगा। हम दूध पथरी में हैं और यहाँ पर जब भी कोई दूध पथरी की ओर रुख करता है, सब जानते हैं कि एक सेहत अफजा मकाम है, तो वो जरूर रुकते हैं जगह जगह चाय पीने के लिए, चाय और ये खसूसी रोटी भी। हमारे साथ एक खातून मौजूद है। क्या बात है, जब हम वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात करते हैं उसमें जो एक मेन एलिमेंट होता है वो ये कि खातून बाइख्तियार इस कदर इस तरह से होनी चाहिए कि वो चार पैसे कमानी चाहिए। देखिए किस तरह से सुबह घर से निकलती है चार पैसे कमाने के लिए, और साफ मिसाल उसकी जो आज जिसका नारा हम ज्यादा सुनते हैं, जो ज्यादा आम है, इनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। तो आई क्या सुना रफीका? रफीका जी तुम क्या तशु बसान दूर पर वन तु बायदा स्टॉल लगोमुत अत मुख्तलिफ चीज सजेमित प्याल समावार ये आजार ये अथी गैसस पे चौचि ते बनावान ये सेटअप ये थोमुत कि तुम पे दोहे घर पे अन अच्छा नसब ये बाकी पता ना घर अहन ओट ते अना घर गेव ते अना घर हाक ते अना घर दूध शो ते अना घर आंचर ते अना घर अच्छा क्या क्या तुम ये कनान कहव मैगी आंचार हाक चोट लेपटन चाय काफी नून चाय मे दो नून चाय वह गई अस मशीद तिक नून चाय कशिर यम सब सुबह सुल वो नून चाय गुन तुम वो ब्या कत यह मे वो यह सा खास चोट यह कम एतबार खास अम ख क्या गाँव इस्तेमाल अच्छा गो ग ओट आग गेव इन पे तैयार कर मकई ओट अहन तुम पान वपदान कि यह तुम पे मिल ना पान वपदा पान अहन यह चूंकि वन कि यम सात समर टाइम शुरू गम सा तुम बसान कि ना सयाह जन टूरिस्ट तम हा कर वन कुन रुख तमी सा तुम तमि पे तुम सीजन तो शुरू कहान वंदस ना कह वंदस वंदस अहन तुम बहरूत ये अच्छा मतलब इनका ये कहना है कि विंटर्स हो या समर हो ये यहाँ पर ही होते हैं। मतलब इनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि हम देखेंगे समर के टाइम टूरिस्ट का फ्लो यहाँ से देखा जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर स्टॉल लगाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। विंटर्स में भी यहाँ होते हैं, समर में भी यहाँ होते हैं। अच्छा इसके अलावा हमें ये बताइए जबनी वैसे जरा कुछ 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 मैच बच्ची बेचुम खानदार बेचुम बच बेचुम हेर बब हश अहन चूंकि वुछान कि अक्सर घर मं यम सात चोर पांच बस अम सोरे बोज मर्दस पे तिक सुरान घर तुम क्या सोच द्रायो पत यो गरीब अद द्राय नो और जो इनकी ये मुस्कुराहट है ना, कहीं ना कहीं ये एक जवाब है, अपने आप में एक जवाब है। मुझे नहीं लगता कि इसको अब इसे इलाबरेट करने की जरूरत है या मुझे आपको समझाने की जरूरत है। रोटी बन रही है और मुझे पता है कि हम लोग यहाँ से चाय पिए बगैर तो नहीं जाएंगे। अख चाय प्याल कई तो शुरू करना सोट है सोट तो चाय ऐसी रुपये तो हाक चोट शीत रुपये सू क्या हाक चोट اہن سا سر صبح ساگ تو بیس مکی کی روٹی روٹی بیس آنچار اہن سا گنڈ چوٹ پن چوٹ سوری چوٹ سات سوری اچھا ٹھیک ون چمو نن چائے تو بیس گئی یہ مکائی چوٹ کتس ملے ساگ گئی ژتجی روپیے اہن سا تو ٹھیک ہے اس مہنگائی کے دور میں چالیس روپے زیادہ نہیں ہے میری ایک ٹیم ہے جو یہاں آئی ہے آج मेरे ख्याल से हम चाय पियेंगे और जाहिर सी बात है टेस्ट कैसा है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये एक स्पॉट यहाँ पर जो मौजूद है माउंटेन टी स्टॉल के नाम से, कभी अगर गुजर हुआ तो आंटी के पास जरूर आना और चाय जरूर पीना यहाँ इनके हाथ की। ये इनके बेटे हैं, वो कहते हैं ना कि जिम्मेदारी
हर एक के हिस्से में जरूर आती है, किसी के हिस्से में ज्यादा होती है, किसी के हिस्से में कम होती है। इनके कंधों पे शायद इस वक्त कम हो, लेकिन आने वाले वक्त में वो बढ़ेगी जरूर। छोटे लड़के हैं, पढ़ाई भी करते हैं और साथ में अपनी माँ के साथ भी आते हैं यहाँ इन्हें इनका हाथ बटाने। बेटा आपका नाम? इमरान। हाँ इमरान, आप पढ़ते हो ना? हाँ। किस क्लास में? नाइन्थ में। नाइन्थ में? हाँ। कहाँ? यहीं पास में? हाँ, नीचे गाँव में। अच्छा ठीक। यहाँ हमने आपको सुबह सुबह देखा माँ के साथ, क्या ये रोज का आना है या स्कूल भी जाते हो, यहाँ भी आते हो, बैलेंस करते हो? नहीं, स्कूल भी जाता हूँ जब पापा घर में होते हैं, फिर पापा यहाँ आते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ। अच्छा, पापा हाँ। यहाँ आते हैं और आप फिर स्कूल जाते हैं? हाँ। अच्छा ठीक। हमें बताइएगा कि यहाँ पर जो आपकी माँ है, मैंने देखा कि रोटी बना रही है, तब तक आप क्या करते हैं? तब तक आप क्या करते हैं? मैं यहाँ से सफाई कराऊंगा, कीड़े वीड़े उनको बुलाते हैं, चाय पीजिए, ठीक है, और यहाँ सफाई भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। और हम तो यही चाहेंगे कि आप भी तालीम हासिल करें, तालीम के जेवर से आरास्ता हो, और उसके बाद आप, अगर सिर्फ कोई इंसान काम भी करता है उसमें कोई बुराई नहीं है, एक इंसान जब हलाल रिज्क कमाता है उसमें कोई बुराई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आंटी से जरूर पूछना चाहूंगी, आंटी ये था ये स्टॉल लोग, अच्छा छुटे अलग अलग चीज का नाम क्या बासान छा राश छा ये वन छा टूर शुक्र खुदा इस कुन ये वन छा आहा सा शुक्र खुदा पुनी जन छु तो ये थस आज सुबह है छु तो ये आमित नाई बजे वन नीरू तो शाम 6 बजे कोता छु पता दोहस बना यास किस्मत तो सच के वाच अच्छा ठीक इसनो बुश मत कर के हिसाब नस्ते नस्ते हस्कंद अच्छा ठीक आना सा कोन सा तो सच तो कोन सा तो ऐसा चलो ठीक ठीक। मे बसान तु थ खतर चाय प्याल अख तैयार तो करो फिलहाल नाजन हमो इजाजत तो इंशाल्लाह बाकी कथ करो तम पत। नाजन मोहतरम बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बराबर इस सेशन में बने रहे। आप जानते होंगे जिस तरह से हमने आगाज में भी अर्ज किया कि दूध पथरी का जो ये सेहत अफजा मकाम है, खूबसूरत एक जगह है जहां हम अक्सर टूरिस्ट देखते हैं, टूरिस्ट का आना जाना देखते हैं। अभी हम यहां से हमारा गुजर हो रहा था, हमने यहां इसी छोटे स्पैन में देखा कि कई सारे टूरिस्ट यहां की ओर रुख कर रहे हैं, और बीच बीच में जो ये टी स्पॉट यहाँ पर इस तरह से पॉइंट्स लगे हैं, रुकते हैं और चाय पीते हैं, फिर आगे सफर तय करते हैं, इनके लिए कमाओ का एक जरिया है। इतने ही नहीं है, हमने आगे बहुत सारे टी स्पॉट्स पॉइंट्स ऐसे ही देखे हैं जहाँ लोग आते हैं, मकामी हो वो बाहर के हो, आते हैं और यहाँ इस खूबसूरती से लुत्फानंदोज होते हैं। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन फयाज नजार के साथ मैं इकरा खून, कश्मीर लाइफ के लिए।